नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश, आप लोगों का अनरियल बैंकर में का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ सिविल स्कोर और व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर। जी दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, लोन से रिलेटेड था तो सिविल स्कोर का वहाँ पर जिक्र हुआ था। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको सिविल स्कोर क्या है और काम कैसे करता है ये नहीं पता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक लाइव एग्जांपल के साथ सिविल स्कोर को समझने का कोशिश करेंगे कि सिविल स्कोर क्या होता है और इसे अगर किसी का अगर सिविल स्कोर बहुत डाउन जा चुका है तो वो कैसे जो है अपना सिविल स्कोर जो है अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सिविल के फुल फॉर्म से। पहले तो सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है, CIBIL। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो हम लाइव एग्जांपल के साथ समझने का कोशिश करते हैं कि सिविल स्कोर काम कैसे करता है। तो समझ लीजिए कि आपके चार पाँच दोस्त हैं, ठीक है, आपके चार पाँच दोस्त हैं, आपने किसी एक फ्रेंड से पैसे उधार ले लिए 1000 रुपये, ये कह के कि भाई मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, 3 दिन में वापस कर दूंगा। अब हो गए 4-5 दिन हो गए, बट आपने पैसे वापस अपने दोस्त को नहीं किए दोस्तों, ठीक है। अब क्या होगा, 5 दिन हो गए आपने पैसे वापस नहीं किए, अब आपका इमेज ख़राब हो गया, अब आपका क्रेडिट ख़राब हो गया, इन द सेंस अब आप जो है अपने दोस्त के पास वापस जाएंगे ये बोलने के लिए कि भाई मुझे वापस पैसे दे दे, तो आपका दोस्त जो है आपको पैसे नहीं देगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप अपने दूसरे दोस्त के पास भी जाते हो पैसे मांगने के लिए कि भाई मुझे 1000 रुपये दे दे मैं वापस कर दूंगा, तो वो भी आपको पैसे नहीं देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने पहले वाले दोस्त को वैसे ही धोखा दे रखा है, क्योंकि और आपका इमेज वैसे ही ख़राब हो चुका है। तो सेम काम करता है बैंक्स में भी। तो बैंक्स जो है क्या करता है कि आपका इंडिविजुअल रिकॉर्ड वो रखता है। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, किसी भी तरह का लोन लिया, आपने लोन लिया बट आपने पे नहीं किया दोस्तों, तो वो सारा डेटा चला जाता है सिविल के पास। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक बंदा गया, एक बैंक से लोन लिया, किसी भी तरह का लोन लिया, अब उसे चुकाया नहीं, दूसरे बैंक में गया सेम प्रोसेस, उसने EMI पे नहीं किया, तीसरे बैंक से गया सेम प्रोसेस, किसी को कुछ नहीं पता चलता था कि इस बंदे के ऊपर लोन कितना है। डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया, अब हर बंदे का अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट होता है सिविल में, वो कनेक्टेड होता है आपके पैन और आधार नंबर से, ठीक है। अब क्या हुआ है कि आप जो है एक बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो सारा डाटा चल जाता है सिविल के पास, और सिविल जो है आपका सारा डाटा रखता है कि आपने टाइम पे पेमेंट किया है या नहीं किया है, आपका कितना पेमेंट बाकी है, कितने टाइम से आपने लोन ले रखा है, किस तरह का लोन ले रखा है। पर्सनली अगर मेरे बारे में अगर बात करें, क्योंकि मेरे ऊपर भी एजुकेशन लोन है, मैंने फर्स्ट मंथ जो था EMI का वो पे नहीं किया था क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब क्या हुआ है कि जब मैं अपना सिविल स्कोर जब मैं चेक करने जाता हूँ ना, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक EMI मेरा बाउंस हुआ है। अब मैं बैंक में भी, जैसे कि आपको बताया कि एक्सिस बैंक में हूँ मैं, सक्षम में मैं जैसे ही लोन अकाउंट के बारे में जैसे ही इंक्वायरी करने जाता हूँ, खुद से भी इंक्वायरी करने जाता हूँ, तो वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि इसका एक EMI बाउंस हो चुका है। तो ये है क्रेडिट स्कोर का मतलब। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कि किसी का स्टार्टअप बिजनेस होने वाला है या फिर किसी ने न्यू अभी रिक्रूट हुए हैं, तो वो अपना सिविल स्कोर जो है अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनको अगर बड़े अमाउंट का लोन का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो किस तरह से काम कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ईजी है कि छोटा सा अमाउंट का आप लोन ले लीजिए, काफ़ी छोटा अमाउंट, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो। मान लीजिए कि आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं बट स्टिल आप जो है 10-15 हज़ार का लोन ले लीजिए, ठीक है, अब उसे टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो बट आप लोन ले लीजिए, टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है सिविल स्कोर जो है हिट होगा और इससे बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा सिविल स्कोर। एक छोटे से अमाउंट से भी सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक मेरे फ्रेंड है, उनका एक मैसेज था कि मेरा तो सिर्फ सेविंग अकाउंट है, मैंने तो कभी लाइफ में लोन लिया ही नहीं है,
और मैं एजुकेशन लोन मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा सिलेक्शन अगर एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में या फिर किसी भी बैंकिंग रिलेटेड प्रोग्राम में अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मुझे एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अभी अगर अपना क्रेडिट स्कोर अगर देखेंगे तो वहाँ पे NA आएगा। NA का मतलब ये नहीं है कि नॉट एप्लीकेबल, NA का मतलब है कि आपने कभी लोन लिया ही नहीं है और आप जो ये प्रोग्राम करने वाले हो उसके लिए आपको पहले से ही लोन दिया जाता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं खुद के नाम से, चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हो या फिर आप MTech, BTech, MBA के लिए भी अगर आप अगर लोन लेना चाहते हो और आपने कभी पहले लोन लिया नहीं है और सोच रहे हो कि मैं छोटा सा अमाउंट लेकर के सिविल स्कोर अपना अच्छा कर दूँ, तो ये गलती बिल्कुल ना करिए दोस्तों। आप फ्रेशर हो, आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए बैंक में, आपको एजुकेशन लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं जैसे कि मैंने बोला कि ICICI, HDFC या फिर एक्सिस में अगर सिलेक्शन होता है तो किस तरह का होता है, क्योंकि मैं तो फ्रेशर हूँ अगर, तो मुझे किस तरह का लोन मिलेगा? तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके लिए है जो अभी न्यू न्यू ज्वाइन हुए हैं, नॉट ओनली बैंक बट अदर सेक्टर्स में, खुद का स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अगर ह्यूज अमाउंट का ज़रूरत है तो आप जो है छोटा सा अमाउंट लेकर के अपना क्रेडिट स्कोर जो है एक अच्छे से लेवल पे कर लीजिए और ह्यूज अमाउंट का लोन जो है आपको सैंक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो में हम डीपली में जानेंगे कि सिविल स्कोर काम कैसे करता है, टेक्निकल लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं। और दोस्तों आपके लिए एक टास्क है, जी हाँ दोस्तों, आपको ये पता करना है कि क्या सिविल स्कोर से आपका प्रमोशन या फिर आप किसी बैंक में अगर स्विच करते हो तो क्या क्रेडिट स्कोर का रहना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जाके सर्च कीजिए, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो अपने पास रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जरूर बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपने अगर हमें हमारे अगर फेसबुक चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी जाके लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस मोस्ट वेलकम है, जैसे कि आपको पता ही है हमारा मेल आईडी है unrealbanker@gmail.com। जो भी डाउट है आपको खुल के पूछिए, मैं और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ, टेक्निकल बातें यूज़ करने वाला हूँ सिविल के बारे में, और आपके लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा अगर आप अगर नेक्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो। और हाँ, वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं रवि प्रकाश, अनरियल बैंकर, साइनिंग आउट।